क्लास देखो, प्रश्नावली 3.2 का, ठीक है, प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन आप कर लो। अब हम देखेंगे प्रश्नावली 3.3 कैसे करनी है। ये किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2, 4, 3 और -1, -1, 0, 1, 2 और -3, -5 स्थित है। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारित करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। अगर आपके पास ग्राफ की कॉपी है तो ग्राफ कॉपी में बहुत अच्छा डायग्राम बनेगा, लेकिन ग्राफ नहीं है तो हम स्केल से भी बना सकते हैं। पहले हमें कॉपी के बिल्कुल बीच में दो रेखाएं खींचनी है, ऐसे सीधी लाइनें खींचो आप कॉपी के बीच में। अब इसमें जो ये वाला बिंदु होता है इसको मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। अब एक एक सेंटीमीटर में इसकी लाइनें बना लो, एक एक सेंटीमीटर की दूरी पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 तक खींच लिया हमने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इधर हम बनाएंगे, इधर एक्स अक्ष क्या होगी, ये हमारी एक्स अक्ष है और ये वाली लाइन हमारी होगी वाई एक्स। इसको एक्स डैश बोलते हैं, इस वाली इधर माइनस वाले जो बनते हैं, माइनस वाले हम लेंगे तो माइनस में ये माइनस में आ जाएंगे। देखो माइनस में लेना स्टार्ट करेंगे, एक एक सेंटीमीटर की दूरी पर। ग्राफ में एक खाना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दोनों तरफ हमने साथ साथ बना ली। ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, -3, -4, -5 और ये हो गया हमारा -6। यहाँ तक लिया हमने, ऐसे ही ऊपर वाली वाई एक्स पे बना लो एक एक सेंटीमीटर की दूरी पर। यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5 हम 5 ही ले रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ये वाई डैश अक्ष कहलाई जाती है, नीचे वाली लाइन हमारी वाई डैश कहलाई जाती है। अब इसमें हम नीचे क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, इसमें हम माइनस ले लेते हैं, -1, -2, -3, -4 और -5 यहीं तक ले रहे हैं हम, ठीक है। अब ये पहला वाला जो होता है ये प्रथम चतुर्थांश कहलाया जाता है, इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये दूसरा वाला हमारा है द्वितीय चतुर्थांश। पॉइंट दिखाने के लिए ब्लैक पेन यूज़ कर रही हूँ मैं, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये हमारा है तृतीय चतुर्थांश। और ये हो जाएगा हमारा चतुर्थ चतुर्थांश। तो देखो पहला पॉइंट हमें दिखाना है -2 और 4, ये दिखाना है हमें -2 और 4। तो जो एक्स अक्ष होता है इसको हम बोलते हैं भुज, और वाई एक्स होता है ये हमारा कोटि कहलाया जाता है, इसका नाम है भुज और कोटि कहा जाता है। तो देखो -2 किधर है, 0, -1, -2 यहाँ पर, ठीक है। और 4 कहाँ पे होगा, यहाँ से गिनो 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे है 4। अब दोनों से लाइनें खींचो डैश डैश करके ऐसे, और ये वाली लाइन खींचो ऐसे करके। तो दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, इस बिंदु पर, इसका नाम डाल दो ए बिंदु। तो ये कौन सा ए बिंदु कहाँ पर है, द्वितीय चतुर्थांश में। तो यानी -2 और 4 कहाँ पे स्थित है, ये बिंदु है द्वितीय चतुर्थांश में, यही आंसर बताना है हमें। ठीक है, अब तीसरा बिंदु देखो, 3 और -1 दिख रहा है, 3 और -1 यानी एक्स अक्ष का भुज कितना है हमारा, 3। तो 3 हम देखेंगे कहाँ से है, 1, 2, 3 ये दिख रहा है 3, ठीक है। और उसके बाद वाई एक्स कितना है, -1, -1 यहाँ पे है, देखो नीचे से देखो -1 ये। तो अब इधर से स्केल से डैश डैश करके मिलाओ,
स्केल से हम मिलाएंगे -1 को ऐसे, और यहाँ से हम एक्स अक्ष मिलाएंगे, तो ये हमने बना लिया अपना बी बिंदु। तो बी बिंदु कहाँ पर है? चतुर्थांश में, यही पूछा है, यानी 3 और -1, ये कौन से चतुर्थांश में है? चतुर्थांश में। इसके बाद है -1 और 0, एक्स अक्ष के निर्देशांक कितने हैं? -1, तो -1 हमारा यहाँ पर है, ठीक है। और वाई अक्ष के निर्देशांक कितने हैं? 0, 0, यानी हमें बढ़ना ही नहीं है। तो ये बिंदु हमारा सी बिंदु कहाँ पर है? एक्स अक्ष पे, किसी भी चतुर्थांश में नहीं है। सी बिंदु कहाँ पर है हमारा? एक्स अक्ष पे, ऐसे करके लिखोगे आप, सी बिंदु यानी -1 और 0, कहाँ पर है ये? एक्स अक्ष पर, बस, ये किसी भी चतुर्थांश में नहीं है। इसके बाद 1 और 2 देखो, 1 और 2, एक्स अक्ष कितना है? 1, और वाई अक्ष कितना है? 2, डैश करके मिलाओ इसको ऐसे। इसको हम मान लेते हैं डी बिंदु, डी बिंदु यानी 1 और 2, ये कहाँ पर है? प्रथम चतुर्थांश में, ऐसे करके आपको आंसर लिखने, नीचे साइड लिखते जाना, मैं अभी इसी पेज पे लिख रही हूँ, आप इसको करते जाओगे। इसके बाद है लास्ट है -3 और -5, -3 यानी एक्स अक्ष कितना है? -3, यहाँ पर देखो 0, 1, 2, 3 -3, और वाई अक्ष कितना है? -5, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे। अब हम इन दोनों को मिलाएंगे डैश डैश करके, और -5 इधर से मिलाओ, इसको मान लो ई बिंदु, हम इसको मान लेते हैं ई बिंदु। ई बिंदु हमारा कितना है? -3 और -5, ये किस में स्थित है? तृतीय चतुर्थांश में। तो आपको ये कार्तीय तल, इसका ग्राफ खींचना समझ में आया? नहीं आएगा तो मैं दोबारा से करा दूंगी। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ये पूरा कंप्लीट हो गया है। एक क्वेश्चन और बचा है इसमें, इसे आप अपने आप करने की कोशिश करो।